हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजे मेडिसिन। मेरा नाम है अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज हम बात करेंगे डेरीफिलिन टैबलेट पे। डेरीफिलिन 150 mg टैबलेट के यूज़, डोज, बेनिफिट, साइड इफेक्ट सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। बने रहिए आप मेरे चैनल पे। मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। और हाँ दोस्तों, ऐसी शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में मेडिसिन से रिलेटिव जानकारी लेके आता हूँ, तो प्लीज़ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, डेरीफिलिन रिटार्ड 150 mg टैबलेट का इस्तेमाल ज़्यादातर सांस से जुड़ी बीमारियों में किया जाता है, जैसे कि अस्थमा, दमा। आइए मैं दिखाता हूँ इसकी पैकेजिंग आपको। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसकी पैकेजिंग। 30 गोलियों का एक पत्ता होता है ये, और इसका प्राइस होता है 2500 रुपये ओनली। और इसे कंपनी बनाती है जाइडस हेल्थ केयर कंपनी। इसमें कॉम्पोजिशन है इटोफिलिन 115 mg और थियोफिलिन 35 mg। आइए मैं आपको बताता हूँ किन किन कंडीशन में ये यूज़ किया जाता है। जिसको दमे की प्रॉब्लम होती है इसमें यूज़ किया जाता है। जिसको COPD यानी फेफड़ों से जुड़े किसी भी तरीके के रोग होते हैं उसमें यूज होता है, जिसमें हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। और ब्रांकाइटिस, ये भी सांस से रिलेटिव जुड़ी हुई बीमारी है जो कि सांस लेने में प्रॉब्लम करती है। इन इन कंडीशन में ये चलाया जाता है। आइए दोस्तों, मैं इसके डोज बताता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये डॉक्टर अपने तरीके से चलाते हैं। जो रोगी जिस तरीके का कंडीशन में होता है उस कंडीशन में उस तरीके से चलाई जाती है गोली। अपनी मर्जी से आप लोग ये ना खाएं। और वैसे मैं आपको नॉर्मली डोज बता देता हूँ। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा सांस लेने में किसी को प्रॉब्लम है तो एक एक गोली सुबह शाम चलती है, और कम किसी को प्रॉब्लम है तो एक गोली पर डे में एक गोली चलती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ किन लोगों को ये यूज़ नहीं करना चाहिए। जो लेडीज़ गर्भवती हैं उनको यूज़ नहीं करना है, और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये गोली नहीं है। आइए दोस्तों, इसके फ़ायदे जान लेते हैं। फ़ायदे मेन यही हैं दोस्तों, सांस लेने में जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन गोली है। सांस से जुड़ी किसी भी तरीके का रोग हो उसमें बहुत बढ़िया काम करता है ये। आइए दोस्तों, मैं इसके साइड इफ़ेक्ट बताता हूँ आपको। जैसे आपने गोली खाई, उसके आधे घंटे के अंदर आपके सर में दर्द होता है तो समझ लीजिए आपको ये रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन के ही लक्षण हैं। अगर आपको गोली खाने के बाद उल्टी हो जाती है तो ये भी लक्षण है कि आपको ये दवाई सूट नहीं कर रही है। अगर आपको चक्कर आने जैसी शिकायत देखने को मिलती है तो समझ जाइए आपको ये रिएक्शन करी है। और गोली खाने के आपको आधे घंटे के अंदर अगर आपको बेचैनी सी महसूस होती है, घबराहट सी महसूस होती है, तो समझ लीजिए आपको ये रिएक्शन कर रहा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कोई भी दवाई यूज़ करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। चाहे कोई नियर बाई डॉक्टर हो, चाहे कोई फैमिली डॉक्टर हो, उसकी सलाह लेने के बाद ही आप कोई भी दवाई यूज़ करें। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत कम समय में समझाने की कोशिश किया मैंने। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। कल फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।